हेलो गाइस, आई होप आप सब गिटार का प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो। तो आज हम सीखने जा रहे हैं माने के मांगे इतने सॉन्ग का लीड। गिटार के टैब्स देने वाला हूं मैं, तो अगर आपने इस सॉन्ग का कवर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखेगा। आपको इधर आई बटन आ रहा होगा और नीचे में लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपने ये जो मैंने वीडियो शूट किया था पूरा, उधर का मैंने ब्लॉग भी बनाया हुआ है, अगर आपने उसका ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत गया है। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ब्लॉग वाला। ओके, तो प्लीज ब्लॉग भी देखिएगा, मेरा कवर भी देखिएगा और ये आप लेसन देख ही रहे। अभी ये वीडियो फटाफट खत्म होने वाला है क्योंकि जो सॉन्ग है उसमें वही वही चीजें रिपीट हो रही है। ओके, और मैंने मेरा खुद का इम्प्रोवाइज भी किया हुआ है बीच में, जो आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्ले कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो उसको स्किप करके जो सॉन्ग के ओरिजिनल पार्ट्स है वही प्ले कीजिएगा। ओके, इस वीडियो के लिए मेरे पास सिर्फ कल का एक ही दिन है शूट, एडिट और अपलोड करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं परसों मेरा थर्ड व्लॉग का शूट करने जा रहा हूँ बाहर। ओके, मैं इंस्टा पे अपडेट देते रहता हूँ, स्टोरीज और पोस्ट करते रहता हूँ मैं किधर जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इधर मेरा आईडी दिख रहा होगा आपको, उधर सारे अपडेट्स आते रहते हैं। तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, द की ऑफ दिस सॉन्ग इज सी शार्प माइनर, जो कि ओरिजिनल स्केल है सॉन्ग की सी शार्प माइनर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। पर आपको टाइप्स दिखेंगे उसको फॉलो कीजिएगा। ओके, हियर वी गो। Again the same thing. Okay. In the main line, जो सबको पसंद है सुनने को, तो देखो आप ए फिंगर पोजिशन यूज करोगे तो अच्छा होगा। मेरी फिंगर पोजिशन आप फॉलो कीजिएगा, देखो। ओके, आप टैप्स को देखेगा कितनी बार कौन सा नोट रिपीट हो रहा है। ओके, इन द सेकेंड टाइम। आपको सेकेंड टू फोर्थ स्लाइड करना है ऑन बी सी। ओके, आफ्टर दैट फोर टू फाइव आपको हैमर करना है, दो बार हिट करना है फोर, देन थर्ड टाइम यू हैव टू हैमर फ्रॉम फोर टू फाइव बैक टू द फोर्थ वंस। आपको ये तीन बार रिपीट करना है, देखो। देन सिक्स फोर ऑन जी, देन टू टाइम्स सिक्स ऑफ जी, देन कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट, अगेन द सेम थिंग। सी मैं बहुत स्लोली प्ले करता हूँ, आप देखिएगा। अगेन वही रिपीट होगा, देन सेम थिंग, देन इसके बाद ये प्ले होगा। ओके, सेम स्लाइड टू द नाइन्थ, सेवन टू नाइन ऑन बी। ओके, तो अभी इसके बाद जो पार्ट आ रहा है वो सॉन्ग ओरिजिनल सॉन्ग में तो रैप प्ले हो रहा है, मतलब रैप है उधर, तो वो ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते सुनना, तो उसकी जगह पे मैंने मेरा खुद का फिलर डाल दिया। तो अगर आपको पसंद है तो आप भी प्ले कीजिएगा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ओके, सी सी अगेन द सेम थिंग। ओके, देन है आप फिंगर पोजिशन अच्छे से फॉलो करना। ओके, मैं आपको स्टॉप कर करके दिखा रहा हूं। ओके, आपको ऐसे नहीं प्ले करना है, देखो इसका फ्लो कैसा है। ये आपको दो बार प्ले करना है, ए बी और ए बी। ओके, दो दो बार प्ले करना है उसके बाद। ओके, इसके बाद देखो वही पार्ट है गाइस, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, देखो। ओके,
देखो ये जो पार्ट है रैप वाला मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, ओके पूरा। अब इसके बाद मैंने क्या प्ले किया, वही नोट्स प्ले किए, सिर्फ हायर ऑक्टेव में प्ले किया, बस दैट्स इट। सो देखो वो नोट्स क्या होंगे, कौन से फ्रेट पे होंगे, आप टैब्स को देखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। आई विल प्ले इट। अभी इधर मैंने इम्प्रोवाइज किया हुआ है, आप उसको स्किप करके ये प्ले कर सकते हो जो अभी हमने दो बार प्ले किया। ओके अब इसके बाद इम्प्रोवाइज क्या था वो दिखा देता हूँ आपको। देन ओके आप इसको स्किप करके वही प्ले कर सकते हो। ओके वो भी अच्छा साउंड कर रहा है, सी। अभी इसके बाद जो मैंने प्ले किया हुआ है वो देखो। आई थिंक मैंने दोनों स्ट्रिंग डाले हुए हैं, मतलब लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव भी मैंने दोनों, मतलब ऐसे ये हो गया और ये वाला, ऐसे दोनों एक साथ रिकॉर्ड करके एक ही, मतलब एक साथ प्ले किया हुआ है। आप अगर सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे कवर्स देख के। एंड इसके बाद गाइज वही पार्ट रिपीट होता है, वही वही टाइप्स है, बहुत सिंपल है प्ले करना। तो गाइज आपको ये लेसन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी गाइज, थैंक यू सो मच। और ऐसे रिक्वेस्ट करते रहिएगा, इस सॉन्ग के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मुझे इंस्टा पे। मैंने आई थिंक एक दो, मतलब ये सॉन्ग जब हिट हुआ था ना उसका शॉर्ट वीडियो, मतलब इंस्टा रील्स होता है ना उसका मैंने शॉर्ट डाला हुआ था। बहुत जन के रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ इसका टाइप्स दे दो सर, तो मैंने सोचा कि इसका टाइप्स लेसन अपलोड कर ही देता हूँ। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल है, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी गाइज, हैव फन।